हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भाग्य भराली है। आज मैं जो 8 तारीख को होने वाला जो एग्ज़ाम है, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट असिस्टेंट डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज आसाम, उसका प्रिपरेशन कैसे करना है, जीके का कौन सा पार्ट देखना है, वो सब बात आज मैं करने वाला हूँ। जीके में हमें 4 चीज़ मुख्यतः देखनी है। 1 हिस्ट्री, 2 जियोग्राफी, 3 पॉलिटी, 4 साइंस। हिस्ट्री में हम देख सकते हैं कि प्रिपरेशन के लिए जो अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, विक्रमादित्य ये जो है, उसके बाद मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्ता वंश, चालुक्य वंश, ऐसे देखना है। और जो वंश जो डायनेस्टी था हिस्ट्री का, और सब कुछ देखना है। उसके बाद मुगल किंगडम देखना है, जैसे कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल किंगडम इन इंडिया, लाइक दैट क्वेश्चन। उसके बाद हमें देखना है कि राइटर्स देखना है, आगे वाला जो राइटर्स है, जैसे कि रामचरितमानस का किसने लिखा, ऐसे टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं। और एक्ट, जो हिस्ट्री में हमारा एक्ट होते हैं, उस एक्ट को अच्छे से देखना होगा। तो क्या क्या हो गया हमारा, पहले तो डायनेस्टी, उसके बाद एक्ट, जो इंडियन एक्ट है जो ब्रिटिश ने बनाए हैं एक्ट, वो सब देखना है। उसके बाद उस एक्ट में विशेषता का हमें देखना है कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, वाइसरॉय कौन थे, ये सब। उसके बाद हमें मॉडर्न हिस्ट्री देखना है, उसमें रिवोल्ट देखना होगा, सिपाही, क्विट इंडिया मूवमेंट, लाइक डेट ऑल, वो हमें रिवोल्ट को देखना होगा। इसके बाद हम जियोग्राफी के बात करते हैं। जियोग्राफी में हमें टेम्पल कहाँ कहाँ है, जैसे कि वेयर इज़ द फेमस मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड, लाइक डेट तिरुपति कहाँ है, ऐसा पूछ दे सकता है। तो जियोग्राफी में हमें देखना है टेम्पल, फेमस टेम्पल कहाँ कहाँ है इंडिया का, वो सब देखना है। और टेम्पल वो देखने के बाद हमें प्लेनेट के बारे में जानना है, लाइक मार्क्यूरी, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून, ऐसा सैटेलाइट के बारे में जानना है। उसके बाद हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो लाइन हमारे अर्थ के बीच से गुजरा है, वो देखना है, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर संक्रांति, कर्कट संक्रांति, ऐसे होते हैं, किसके कौन कौन देश के बीच से ये लाइन चली गई है, वो देखना है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास, इसका हो जाएगा नेपाल, लाइक डेट। और हमें देखना है कि जैसे कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द हाइस्ट प्लेटिव इन द वर्ल्ड, लाइक डेट क्वेश्चन। और वो स्ट्रेट का नाम जानना है, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, ये पेपर प्रीवियस ईयर का है। और वर्ल्ड मैप देखना है, उसके बाद इंटरनेशनल बाउंड्री को देखना है, उसके बाद हमारे जो उपकूल है, कोस्ट बोलते हैं उसको देखना है, और जो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी का सबका कैपिटल का नाम हमें रट के जाना है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में जो कुछ पूछा जा सकता है, और इंडिया के जिस भी जो भी मेन रिवर है उसके बारे में जान के जाना पड़ेगा। उसके बाद हमारे जो हिल्स है वो भी जानना पड़ेगा, और जो ट्राइब्स होते हैं, ट्राइबल, वो हमारे जो 7 सिस्टर का स्टेट है, उसके हर ट्राइब्स के बारे में हमें जान के जाना पड़ेगा। उसके बाद पॉलिटी में लोकसभा, राज्यसभा, वो देखना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी देखना पड़ेगा, कितने वर्ष में कौन MP हो सकता है राज्यसभा का, लोकसभा में, जैसे कि लोकसभा में 25 होता है, राज्यसभा में 30 होता है, 30 ईयर्स के बाद ही वो कोई मेंबर हो सकता है।
ऐसे ही और लेटेस्ट हमें जानना चाहिए जी कहाँ कहाँ इलेक्शन हुआ है, उसमें कौन कौन जीता है। उसके बाद फुल फॉर्म थोड़े थोड़े से हमें इकोनॉमिक्स का देखना है, जैसे कि GST, और हमें राजधानी देखना है सेवन सिस्टर का। उसके बाद ऐसे ही करके हमें देखना है पॉलिटिकल का देखना है, उसके बाद साइंस का देखना है हमें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बेसिक बेसिक देखना है, जैसे कि लीट मास के बारे में पूछ दिया है, बायोगैस के बीच में पूछ दिया, और यूनिट के बारे में जानना है कौन सा यूनिट किसके है। उसके बाद हमें थोड़ी से जानना चाहिए कि जैसे डॉग बाइट कैन केज, डॉग से काटने से क्या रोग होता है, जैसे रेबीज, और डायबिटीज का भी हमें जानना है। ऐसे ही हमें जनरल स्टडी ओ हम कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा। पॉलिटी में हम राज्यसभा लोकसभा का एलिजिबिलिटी, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, कश्मीर में कौन सा रूल लगता है 370 ऐसा, और राष्ट्रपति शासन राज्यपाल शासन क्या होता है, और प्रेजेंट में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन है, ऐसा भी आएगा। तो दोस्तों ये था GK का सिलेबस, ऐसे ही कुछ एग्ज़ाम में आएगा तो ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाना है और एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो बेस्ट ऑफ लक। GK के बाद इंग्लिश में क्या क्या आएगा, मैथ्स में क्या क्या देखना पड़ेगा, कैसे देखना पड़ेगा, वो सब बताऊँगा इसके बाद के वीडियो में। थैंक यू वेरी वेरी मच।